हेलो दोस्तों तो कैसे हो आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास ट्वेल्थ एनआई बोर्ड का जो है हिस्ट्री का चैप्टर चैप्टर नंबर फिफ्टीन जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है अंडरस्टैंडिंग ऑफ एटी सेंचुरी इंडिया यानी देखा जाए तो इतिहास का चैप्टर जो है पंद्रह मार्च जिसमें हम अठारहवीं सदी में भारत की स्थिति के विषय में जो है विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे और ये टॉपिक कई मान्य में हर एक क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा चाहे वो सी में पढ़ते हो चाहे एन बोर्ड में पढ़ते हो चाहे यू बोर्ड के बच्चे हो चाहे बिहार बोर्ड के हो कोई भी बोर्ड के बच्चे सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा साथ में जो कंपटिशन तैयार कर रहे हैं उन बच्चों के लिए भी महत्वपूर्ण रहेगा खासतौर पर यू जो एग्ज़ाम तैयार कर रहे हैं उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा दोस्तों तो ये चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण होने के साथ साथ काफी आपके लिए जरूरी भी है लेकिन आपको पता है चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूं जिसको आपको सोचना भी चाहिए विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए वो तो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई यो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा और देखिए शेयर का मतलब यह होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए यह आप भी नहीं जानोगे इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो ठीक है व्हाट्सएप स्टेटस पर भी लगाओ दोस्तों आने सब... से सेंटर सहांस कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है चाहे वो एटथ क्लास हो नाइन्थ इलेवंथ ट्वेल्थ हो चाहे वो एनआईस बोर्ड के बच्चे हो ठीक है चाहे बी एम के बच्चे हो सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण एससी सेंटर में उपलब्ध है तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको चैनल प्राप्त ना हो तो इसलिए सोचना नहीं विचार नहीं करना है सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है दोस्तों तो, तो बात था आपके लिए लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है द नेक्स्ट टॉपिक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक इन सेंचुरी इंडिया इज द द इकोनॉमिक इन सेंचुरी इंडिया द सेंचुरी कैन हार्डली बी सैड टू बी exhibit band the substantial economical continuity between two it is the earlier and later part it was a period of the considerable is a politically turmoil in india one in which their state were formed to the resolve in a quick sensations and that there was a great deal of the fluidity in a system it is a, of course the truth that arrived by there is a military force would have a causal to the declarations, the destruction of the aggression is the tanks, there is a foreseeable exploration of cattle wealth. And even to force a mass of the masses of people, were are not unknown in the war of the 70th 70, 70 century as there are after. All this is a must have had to the harmful effect on the economical stability and created to their impulse to about to the growth. And when the view from to Delhi that 80th century is the entry a gloomy period. The attack of the Nadir Shah went to the Ahmad Shah Abdali, and finally his attack by the Ruhelas is who is control to Delhi in the 61 to seventy one. put the city is a state of regular destruction, and this is a perspective scan hardly has been to the share the inhabitant of other centers in India where the three worldrams Pune Patna and Jaipur and there was a process economical is a re that the company, the political de decentralization of era and it is on the account of the this that of the experience of Delhi and Agra cannot be generalized. However there are condition of different reasons where to not be uniform. In some the first half of the 18th century, of witness is a continued expansion, Bengal, Jaipur, and Hyderabad, for example. Well, some other where is a letter is a bloomers, as it is the case of Travancore, Masur uh, or the Punjab. No single chronology of economical is a prosperity and the decline in the likely, therefore to be fit all the reasons of the India is the approach. that there is a some key of weakness and there are co contradictions, the economical of 80th century of reform well in the sphere of agricultural. In land trade of the urbanisation and there were some area which is a say is a agricultural decline, often because of interest state is a warfare in the Punjab and part of the northern India. The lack of new agriculture method and techniques was overcome with their experience and management of the land and labor. Data of the in paper used and the uh, compared the wise of is any in the Akbari proved that it was not be lack of cultivable land, but there is important and there is a some area which is a agriculture decline of this because the interstate welfare is a Punjab and part of the northern India. There is important important area the compare wise the NA recovery. the proof that it is a note is a lack of cultivable land but lack of the labor and peace which is the resulting into the decline agricultural production and flotating agriculture price as well. At the same time, the price is raised to benefit the peasant, but is unequally, according to the vertically divided section of peasantries. Instead, subject to the tribute from the system of agriculture is a commodities and production that tie to the village and expensive network of commercial mobility and exchange. It is a not a that respect for the major substance Christ in the South India between seventeen zero two and seventeen zero four. The first seventy declared of the eighth century in India were a remarkable free of fame. The great is a Bengal fame of the 7070. It is which is estimated to the one-third of their population, but to the occurrence is soon after the conical con conquest and this is a follow by another this structure is a, a mine in the northern india in 1783 the overall of favorable the land the labor ratio had enabled to the highly mobile peasant and tribal is a labor to be neglected is a reasonable term with the controller of land but this case is a revenue a demand made the peasant's restrictions a regular phenomenon and particularly in the northern India. Well some villages are notable managed to the transform of revenue form into the heredity of the state and other fell their sequence from to powerful regional state as a tippu, as a Masir. A population of production price and wage tended generally speaking to be on the gentle award as inclined and during the 80th century. The fragmented political did not be hamper the development of the travings of inland trade in the gain and cloth and cattle. Corporate a merchant institution are transcended a political boundary in our signing the transportation of good and the provisional credit and insurance of service. pre chronical era artisanal is a labor especially is a beavers had to apply scope from successfully restricting extravagant or demand by the intermediate social group and the state. Even in an intervasive state like a later 80th century, a appearing to attack the intermediaries rather than to the labor evidence from Bengal and Madras, and suggest that the urban labor was a vote of in relation to the state and the market in the earlier conical then there is a the immediate of pre-colonial period been in inland is traded well the indian sweeper and merchant involved in the export of trade decline in the force of european advance the great is a gujarati port a city of gujarat L loss is imported around 1720 the 1720 is the most important year, and there was a insurance is a demand for India goods in the both West and Southeast Asia in the later 80th century, in addition to the Europeans demand. But by Norbities, is a merchant and sweeper had achieved a dominance at the expense of Indian and took the bulk of the profit. As the old commercial center of the Surat. इज अ मासूलीप्टनम एंड ध का इज इज डिजेनरेटेड इज अ को कॉलोनिकल एंड पोर्ट सिटी इज लाइक अ बॉम्बे मद्रास एंड कलकाता टुक देयर इज अ प्राइज प्राइड ऑफ प्लेस बट द डिक्लाइन ऑफ द मुगल कैपिटल ऑफ डेली एंड आगरावास अबसेट बाय द राइस ऑफ रिजनल कैपिटल इंक्लूडिंग लखनऊ हैदराबाद द बेडियज मराठा सिटी एंड श्री Nagapatnam and there is a level of urbanization was clear highly in the eighth the century before. The eighteenth century before there is important and what I had to change in the urban center was the relative balance of power between the ruler and merchants. In some instance, is a commercial and financial man, man ma magnet is there is aggravating the himself a power of the state it would be also a pair for a variety of reasons, that the mid 18th century the mark of significance changed economical sphere for example when the english east india company got a hold on the revenues of the bengal sabha their flow of the money was adversely affected while the area bengal received a gold and silver in exchange for its sport the this pattern no longer held. In the later part of the 18th century, the peasants were forced to uh, cultivate contain a cash crop like uh, indigo and opium. And this had observed there is impact on the food crop production. But another reason why the later half of the 18th century differed from the period before about uh, 17,050, there is a, a changing character of their war. In the post 1750s period, the welfare is becoming more adaptive of the civil life and economical production than before. And at the same time, the new techniques is a use made it is a far, far more expensive proposition. This use of frame arms on the larger scale, the implement of the mercenaries and the maintenance of a standing army. And all this is a hard and harmful effect. यदि अगला पॉइंट की हम बात करें तो महत्वपूर्ण तो रहेगा कि आठवीं शताब्दी में भारत में अर्थव्यवस्था की क्या कंडीशन थी देखिए ये जानना हमारे लिए बहुत दिलचस्प और रोचक रहेगा कि आठवीं शताब्दी में भारत में अर्थव्यवस्था की क्या कंडीशन थी और इससे क्या बेनिफिट था तो यहाँ पर देखा जाए तो अठारहवीं शताब्दी जो है अतीत तथा भविष्य की अच्छी आर्थिक निरंतरता की तुलना में कई अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सका यानी आठवीं शताब्दी में देखा जाए तो अर्थव्यवस्था का जो प्रदर्शन था जैसा सोचा गया था वैसा नहीं देखने को मिला यह काल भारत में अत्यधिक राजनीतिक खलबली का दौर था जिसमें पहले तो राज्य का निर्माण होता था तथा तो अगले ही पल वह विघटित भी हो जाती थी कारण क्या था कि हर एक व्यक्ति की अपनी महत्वाकांक्षा बन गई थी और हर कोई जो है अलग अलग षडयंत्र रचा करते थे जिसके वजह से जो है विघटित होना स्वाभाविक बात था और अर्थव्यवस्था जो थोड़ी तहस नहस हो गई थी व्यवस्थाओं में अस्थिरता अपने चरम पर थी और यह भी निर्विवाद है कि सैन्य अभियानों के विस्थापन को बढ़ावा भी काफ़ी मिला यानी सैन्य अभियान को जो है काफ़ी बढ़ावा मिला और सिंचाई के जलाशयों का जो विध्वंस और पशुधन का जो है जबरन संपत्ति हरण और जनता का जो है बालक निष्कर्षण तथा उसके बाद के युद्धों में किसी से भी छिपा नहीं था और इस सब ने जो है आर्थिक स्थिरता पर जो है हानिकारक प्रभाव डाला तथा तो प्रगति की राह में अनगिनत जो जो है रोड़े अटका दिए यानी देखा जाए तो धार्मिक शताब्दी में जो अर्थव्यवस्था थी वो खलबली का जैसा था यानी राजनीति में खलबली थी तो अर्थव्यवस्था में भी खलबली देखने को मिला और कहते हैं इस समय जो है सारे जो प्रगति के रास्ते को जो है जो है रोले रोले जो है अटका दिए यानी पत्थर जो है डाल दिए और जो है ये जो है सबसे बड़ा जो रुकावट मानी जा सकती है यदि दिल्ली के तो नजरिए अंधेरा युग था यानी अठारहवीं शताब्दी जो थी एक अंधेरा युग के समान माना जा सकता है नादिर शाह फिर अहमद शाह तथा अंततः रोहिल्ला जो कि सतारह से सतारह तक दिल्ली पर जो है नियंत्रण स्थापित करने वाले के आक्रमणों से दिल्ली को एक निरंतर जधंस की ओर धकेला भारत के अन्य क्षेत्र के शायद ही इस दौर से कभी गुजरना पड़ा हो चाहे वो त्रिवेदनम पुणे और पटना अथवा जयपुर क्यों न हो इस युग में राजनीतिक विकेंद्रीकरण होने के कारण आर्थिक परिवर्तन का भी दौर चला जिसके कारण दिल्ली तथा आगरा के अनुभवों को इस संबंध में व्यापक रूप नहीं मिल सका तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात आता है कि कहते अठारहवीं शताब्दी में जो है पूरे देश में जो है शताब्दियों में अंधेरे का युग माना जा सकता है क्योंकि यहाँ पर जो राजनीतिक जो उथल पुथल हो रही थी इसका प्रभाव जो है सबसे अधिक जो पड़ी वो राजनीति के अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ गया यानी इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था पर जो है बहुत काफ़ी गहरा प्रभाव देखने को मिला हमें अठारहवीं शताब्दी में और इसका कारण यही था कि सल्तनत का जो है उलट पलट होना इसका सबसे बड़ा कारण बना हालांकि विभिन्न क्षेत्रों की परिस्थितियां एक सी नहीं थी यानी देखा जाए तो ये बेशकली 18वीं शताब्दी फेड की स्थिति मानी जाती है लेकिन ये कंडीशन हर एक क्षेत्र में विद्वान नहीं थी यानी हर क्षेत्र में ये नहीं पाया गया कहते हैं कुछ क्षेत्रों में जो 18वीं अठारहवीं शताब्दी में प्रथम से विस्तार देखने को मिला जैसे बंगाल के ले ले, ले जयपुर और जो हैदराबाद है काफ़ी विस्तृत थी और काफ़ी जो है फला फुला। जबकि कुछ में यह देर से जो है प्रविष्ट हुआ जैसे त्रिवणकोर मसूर पंजाब आर्थिक समृद्धि तथा पतन का कोई भी अकेला कानूक्रम उस युग के भारत के हर क्षेत्र के लिए उचित नहीं हो सकता यानी देखा जाए तो ये किसी क्षेत्र में जो है नहीं था यानी कुछ क्षेत्र में थे कुछ क्षेत्र में नहीं थे हालांकि कुछ कमजोरियों तथा अंत विरोधियों के बावजूद अठारवीं शताब्दी में कृषि के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन हमें देखने को मिलता है साथ ही अंतरदेशीय व्यापार तथा शहरीकरण भी फले फूले इस समय यानी शहरीकरण भी काफ़ी फला फूला हालांकि उत्तर भारत पंजाब कुछ हिस्सों में अंतर राज्य संघर्ष की वजह से कृषि में पतन की स्थिति देखी गई भूमि तथा श्रम के अनुभव तथा प्रबंधन ने कृषि तरीकों तथा तकनीकी कमी को पूरा करने में कुछ हद तक जरूर सफलता इस समय पा ली थी यानी या अठारहवीं शताब्दी देखा जाए जहां उथल पुथल के समय काल थी वहां पर कृषि में भी कुछ जो है कदम देखने को मिला कुछ जो है प्रगति देखने को मिला तकसीम के आंकड़ों का उपयोग कर आयने अकबरी से तुलना कर देखे तो यह सिद्ध होता है कि सिंचाई योग्य भूमि का अभाव नहीं बल्कि शांति तथा श्रम की अभाव था उस समय या आयने अकबरी में साफ सारी बातों को जो है विस्तार पूर्वक चर्चा किया गया है कि उस समय भूमि की अभाव नहीं थी या भूमि की सिंचाई का अभाव नहीं था या उपयोगिता का अभाव नहीं था बल्कि शांति तथा श्रम का अभाव था जिसके परिणाम स्वरूप कृषि के क्षेत्र में पतन हुआ तथा कृषि मूल्य के उतार चढ़ाव के कारण जो है अनिश्चितता आई इसी समय मूल्य व वृद्धि ने किसानों का लाभ पहुंचाया परंतु यह लाभ सामान्य रूप से नहीं हुआ क्योंकि कृषक समाज बटा हुआ था यानी कृषि समाज जो था इस समय बट गया था और राज्य ने कृषि के उत्पादों को जो है शुल्क लिए जबकि गांव खर्चीले विनियम के व्यापक तंत्र से जुड़ गए जुड़े हुए थे यानी देखा जाए जहां पर खर्च कम होना चाहिए वो जो था खर्च से जुड़ गया यानी गांव जो थे खर्चीले विनियम के व्यापक तंत्र से जुड़े हुए थे यह भी उल्लेखनीय है कि सतारह से लेकर सतारह के मध्य दक्षिण भारत में संकट के बादल के बावजूद अठारहवीं शताब्दी के प्रथम सात दशकों में भारत जो था भुखमरी जैसे आपदा से बचा रहा तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि भारत में भुखमरी जैसे आपदा जो थी नहीं हुई तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बात रखता है सन सत्रह के बंगाल का भयंकर अकाल जिसमें लगभग आधी जनसंख्या को अपने जो है प्राण गंवाने पड़े देखिए सतारह सत्तर के दशक में जो बंगाल का भयंकर अकाल पड़ा था उससे आप अनभिक जरूर हुए होंगे कहते आधी जनसंख्या को अपने जो है अगोश में ले लिया था और उपनिवेशक विजय के तुरंत बाद पड़ा यानी जब उपनिवेशक विजय हुई उसके पश्चात ही यह अकाल पड़ा और इसके तुरंत बाद सतारह में उत्तर भारत अकाल की झलनी पर आई यानी सत्तार तिरासी में जो है उत्तर भारत को अकाल की त्रासदी को जो है काफ़ी मान्य में झेलना पड़ा और कुल मिलाकर एक अनुकूल भूमि श्रम अनुपात ने किसानों को गतिशीलता बनाया तथा भूमि के नियंत्रकों के साथ जाति श्रम को जो है समुचित शर्तों पर जो है कार्य दिलाया यानी जाति श्रम उस समय विकसित हो गई थी जो काफी यहां कि काफ़ी यहाँ बात इम्पोर्टेंट रखता है किंतु उत्तर भारत में राजस्व की बढ़ती मांग ने किसानों के कल्याण को एक नियंत्र नियमित प्रक्रिया बना दिया देखिए सबसे बड़ा इफेक्ट जो बड़ा राजस्व की मांग कहते हैं जैसे जैसे रजाए युद्ध किया करते थे उनके विघटन होते थे वो राजस्व जो थे बढ़ाते चले जा रहे थे जिसके वजह से किसान जो है पलयाण कर गए वो नियंत्रित प्रक्रिया बना दिया यानी प्रलयान वहाँ से चले जाना ही उन्होंने अपना जो है जीवन का जो है उद्धार समझा एक तरफ कुछ गाँव के प्रधानों ने राजस्व कृषि की अनुवा अनुवांशिक संपदा बना दिया वही अन्य शक्तिशाली क्षेत्रीय शासकों जैसे कि टिप्पू सुल्तान मसूर से ने अधिक से अधिक राजस्व इकट्ठा किया तो देखिए कहते हैं कि कुछ भी हो इसमें आम जनता आम किसान ही जो है पिसते हैं बड़े बड़े राजा राजाओं तो आके यहाँ पर लगा देते हैं अपनी मनमानी कर जाते हैं लेकिन भूखे तो मरते हैं वो लोग जो अन्न को उपजाते हैं तो ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण बात है और बहुत जरूरी भी है कहते हैं सरकार तो अपना कार्य होती है हो करती चली जाती है लेकिन वो कभी जनता की भलाई नहीं देखती है कि आम जनता का इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो तो सिर्फ अपना नाम करने के लिए हर संभव कोशिश करती है और यही बात उस समय भी हुई 18वीं शताब्दी में जनसंख्या और उत्पादन मूल्य तथा नियंत्रण मजदूरी साधारण रूप से उन्नति पर थी उस समय खंडित राजनीति ने अनाज वस्त्र तथा पशुओं के समृद्धि अंतर्देशीय व्यापार के विकास को काफी हानि नहीं पहुंचाया यानी जो है विकास को हानि इसमें नहीं पहुंचाया देखा जाए तो इसमें राजनीतिक ने अनाज वस्त्र और पशुओं के समृद्धि अंतरराष्ट्रीय व्यापार के विकास को कोई भी हानि नहीं पहुंचाया। व्यवसाय व्यापारी संस्थाएं वस्तुओं के परिवर्तन तथा ऋण को जो है बीमा सेवाओं के प्रबंधन से जो है निरीक्षण में राजनीतिक मोर्चाबंदी से आगे निकल गई यानी आपने देखा होगा कि जो उस समय जो था अकबर का टाइम उस समय जो होता था, था बीमा सुविधा भी उपलब्ध थी जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था ते पूर्व औपनिवेशक युग में कलाकार मुख्यतः जुलाहों के पास मध्यस्थ समाजी समूह तथा राज्य की ओर से अप्रभावी बढ़ती मार्ग के द्वारा यानी बढ़ती मांग के द्वारा अपने जीवन यापन करने के लिए अत्यधिक मौके थे यहाँ तक कि घुसपैठ करने वाले राज्य जैसे कि अठारहवीं शताब्दी की उत्तर में मसूर ने भी मध्यस्थ पर भी आक्रमण किए थे और श्रमिकों पर भी श्रमिक पर नहीं यानी देखा जाए तो मध्यस्थ पर उन्होंने काफ़ी आक्रमण किया था अठारहवीं शताब्दी में मसूर के राजा ने लेकिन श्रमिकों को काफ़ी राहत दी थी बंगाल तथा मद्रास से प्राप्त सबूत इस और इशारा करते हैं कि शहरी श्रमिकों की हालत आरंभिक औपनिवेशिक काल में पूर्व औपनिवेशिक काल की तुलना में बहुत काफ़ी खराब हो चुकी थी जबकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रगति पर उस समय था वही यूरोपियों के बढ़ते प्रभाव के चलते अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने वाले भारतीय तथा पोतवाहकों तो को जो है नुकसान हो रहा था जो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात आता है कि पोतवाहकों का काफ़ी समय नुकसान देखने को मिला और देखा जाए तो सतारह सौ बीस में महान जो है गुजराती बंदरगाह सूरत शहर ने अपनी महत्ता को खो दिया यानी देखा जाए तो जो है सूरत जो जिस कारण जाना जाता था उसकी महत्ता जो थी बहुत काफ़ी धुंधली पड़ गई थी तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि कोई अपना जो है वास्तविकता खोता है तो उसकी कोई पहचान नहीं रह जाती है अठारहवीं शताब्दी के अंत में पश्चिम तथा दक्षिण पूर्व एशिया दोनों ही भारतीय जो है उत्पादों की भारी मांग उत्पन्न हुई किंतु इस समय तक अंग्रेज व्यापारी तथा पोतवाहक अपने वचस्व कायम कर चुके थे यानी देखा जाए तो इस समय दो ही की जो है वचस्व था एक अंग्रेज व्यापारियों का और एक पोतवाहक अपना वचस्व कायम कर चुके थे अंततः भारतीयों को व्यापारिकानी के साथ अंग्रेजों को अत्यधिक लाभ पहुँचाने लगा लग गया था काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ रहती है कि दो चीजों जो कहते हैं हर कोई जो है अपना मचस्व ही पूरा करने के फिरात में रहता है एक तरफ देखा जाए तो पुराने व्यवसायिक केंद्र जैसे सूरत मसूलीप्टनम तथा ढाका नीचे की और अग्रसर होते तो वहीं मुंबई जो है मद्रास तथा कलकत्ते जैसे उपनिवेशिक बंदरगाह वाले शहर चमक बिखरने लगे थे किंतु उभरती हुई क्षेत्रीय राजनीति जैसे लखनऊ हैदराबाद तथा विभिन्न मराठा शक्तियों के शहर और पटनम ने दिल्ली और जो है आगरा के पतन के असर को समाप्त कर दिया था और अठारहवीं शताब्दी में शहरीकरण का जो है अनुपात पिछले सौ वर्षों में स्पष्ट रूप से बढ़ता ही चला जा रहा था यानी अठारहवीं शताब्दी में शहरीकरण जो था अपनी चरम सीमा पर आने को जो है उत्कृष्ट था शहरी केंद्र में शासन तथा व्यापारियों के मध्य संबंधित सत्ता का संतुलन बदल सा गया था और देखा जाए तो जो जा कुछ उदाहरण भी ये और प्रभावशाली शक्ति राज्य सत्ता का झूठा दावा कर रही थी तो ये काफी महत्वपूर्ण कि जो उदाहरण भी दी जा रही थी वो सिर्फ झूठा वादा के रूप में दी जा रही थी तो इस बात को आप समझ सकती हो बहुत से कारणों से ही प्रतीत होता है कि ठार्मिक शताब्दी के मध्य में आर्थिक क्षेत्र में उल्लेखनीय परिवर्तन देखने को मिला उदाहरण के लिए जब अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल सूबे के राजस्व पर अधिकार स्थापित किया तो धन का जो है प्रभाव बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ तो समझ सकते हो यहाँ पर बात की जब अठारहवीं शताब्दी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना सूबे पर राजस्व अधिकार प्राप्त किया तो कहते हैं इसके बुरी तरह से जो है धन का जो है प्रभाव को प्रभावित किया इसमें कोई दो राय नहीं है पहले जो था बंगाल अपनी न्याद के बदले सोना और चांदी पाता था किंतु यह तरीका ज़्यादा न चल सका यानी पहले देखा जाए तो न्याद के बदले में सोना चांदी जो है बंगाल पाया करता था लेकिन यह ज्यादा दिन चल नहीं सका अठारहवीं शताब्दी के अंतिम हिस्सों में किसान नगदी फसलें जैसे कि नील तथा अफीम की खेती करने को बाध्य हुए तो ये आपको पता भी होगा कि अठारहवीं शताब्दी के अंतिम हिस्सों में किसान नकदी फसल जैसे कि नील और अफीम की खेती करने के लिए बाध्य हुए कारण क्या था कि ब्रिटिश में जो थे नील की नील जो थी बहुत कम मात्रा में उपलब्ध थी तो वो भारत से जो है लोगों को धोखा देने के चक्कर में जो है उन्होंने जो यहाँ पर नील की खेती का जो है शुरू गणेश किया यानी श्री गणेश जो है इन्होंने नील की खेती किया तो आपको चंपारण की घटना याद होगी जहाँ पर महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह चलाया था वो भी नील की खेती के ऊपर तो इसमें कोई दो राय नहीं है और अफीम की खेती भी जो है इस समय काफ़ी मात्रा में कर किए जाने लग गया था इसने अन्न की फसल की उत्पादन का बुरा प्रभाव डाला तो जनरल सी बात है जहाँ नील की खेती और अफीम की खेती होगी वहाँ पर फसल का उत्पादन कहाँ संभव होगा कहा जाता है कि नील की खेती जिस भूमि पर होती है वो भूमि बंजर हो जाती है यानी वो कृषि योग्य नहीं रह पाती है तो ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात आती है तो जनरल सी बात है कि अन्न की फसल के उत्पादन का जो है बुरा प्रभाव जरूर देखने को हमें मिलेगा किंतु धार्मिक शताब्दी के उत्तरवर्ध के 1750 से पूर्व के काल से भिन्न बनने वाले एक और कारण है वो है युद्ध का बदलता स्वरूप देखिए युद्ध भी करने का तरीका जो था इस समय में बदल चुका था सत्रह के बाद की अवधि में युद्ध में नागरिक जो है जान माल क्षति तथा आर्थिक उत्पादन क्षति पहले की तुलना में अधिक होने लगा क्यों क्योंकि ये लोग जितने भी युद्ध करने लगे वो आधुनिक युद्ध करने लगे कहते हैं, पुराने समय में तलवार से हुआ करता था कोई इतना इफेक्ट नहीं पड़ता था किसी भी खेत और ज़मीन जजात को लेकिन जब इन्होंने तोपों का इस्तेमाल करने लग गए तो कहते हैं ये जान माल के साथ साथ जो है कृषि क्षेत्र को भी जो है बेकार कर देती थी तो काफ़ी ये इम्पोर्टेंट बात रखता है यहाँ पर यानी आर्थिक उत्पादन की क्षति पहले की तुलना में अधिक होने लग गई थी और इसी समय युद्ध ने नई तकनीकी का उपयोग ने इसे और भी अधिक खर्चीला कार्य बना दिया तो कहते हैं तोपों का इस्तेमाल करना खर्चीला कार्य और दूसरा कार्य तो था ही था व्यापक स्तर पर अग्नि अस्त्र का उपयोग किराए के सैनिक का उपयोग तथा जो स्थापित सेना का रख रखाव इन सभी के बहुत हानिकारक प्रभाव देखने को मिला कहते उस समय अंग्रेज से जो है सिपाही भी लिया जाया करता था उधार में और कहते हैं अग्निश यंत्र का उपयोग करना ये कई मानने में जो था बहुत ही घातक और बहुत ही प्रभावकारी था तो ये काफी महत्वपूर्ण बात आता है इस समय के दौरान इकोनॉमिक्स पे जो पड़ा प्रभाव वो काफी घातक था तो सर तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाता है इकोनॉमिक्स का जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था कि अठारहवीं शताब्दी में इकोनॉमिक्स की क्या दशा थी तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रखता अगर आपके सिलेबस में है तो ये आपके लिए जो है अमृत तुल्य बन जाएगा ठीक है अगर आपको और अच्छा चाहिए और अच्छा आपको बनाना बना के मैं दूँ तो आपको जो है लाइक से सब्सक्राइब करना ज़रूरी है साथ में अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिए तभी जो है आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा और आपको जो है नए नॉलेज के साथ जो है त्रिपाण जिलेंडर आपके समक्ष प्रस्तुत होगा